लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शनिवार दोपहर बाद आंधी के साथ हो सकती है मानसूनी बारिश इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इंदौर आ रहे हैं। पूरा शहर उनके स्वागत में उत्साह से जुटा है, लेकिन इस उत्साह में मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने खलल डाला है। विभाग ने कहा कि शनिवार दोपहर बाद मानसूनी बूंदाबांदी और तेज हवा अधड़ की आशंका है। इधर गुरुवार शाम को तेज बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों दक्षिण पश्चिमी नमी युक्त हवाओं का पैटर्न सेट हो चुका है। अरब सागर में सिस्टम बन रहा है। वर्तमान में भी वातावरण में अच्छी नमी है, जो अगले एक दो दिन तक बनी रहेगी। गुरुवार को भी मौसम के तेवर ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद शहर में बादल घिराए। हालांकि बारिश की शुरुआत शाम को हुई, लेकिन गतिविधियां एक घंटे पहले से शुरू हो गई थी। मौसम केंद्र भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अरब सागर में सिस्टम भी बन रहा है। इसका प्रभाव मौसम पर रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डीपी दुबे का कहना है, अभी मानसून आया नहीं है। प्री मानसून एक्टिविटी दोपहर बाद 4 बजे ही आ रहा है। गुरुवार दिन भर उमस और गर्मी से लोग परेशान होते रहे। अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शाम को शहर में हुई बारिश के बाद लोगों को राहत मिली। 2 घंटे में करीब 10 मिमी पानी बरसा। 1 घंटे में पौने इंच बारिश गुरुवार को सुबह से धूप खिली थी। उमस से लोग परेशान थे। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। पश्चिम क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई, देखते देखते पूरे शहर पर फैल गई। हालांकि ज्यादा जोर पश्चिम मध्य क्षेत्र में रहा। 1 घंटे में करीब 18 मिमी यानी पौन इंच पानी बरसा। जोरदार बारिश से पानी सड़कों पर बह निकला। हवा के साथ आए पानी के कारण अनेक क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। अब तक बारिश का आंकड़ा 3 इंच के आसपास पहुंच चुका है।